Assalamualaikum students, वालेकुम अस्सलाम हमजा, कैसे हो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? स्टूडेंट्स आवाज आ रही है आप लोगों को? अभी से 4 स्टूडेंट्स ऑनलाइन है। स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स ग्रुप में एक मैसेज डाल दो कि सारे ऑनलाइन हो जाएंगे, अभी सिर्फ 5 स्टूडेंट्स है वो ऑनलाइन है, ठीक है? ओके, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने डिस्कस किया था IABP के बारे में, इंट्रा एओर्टिक बलून पंप के बारे में, ठीक है जी? मैम किसकी आई थी ब्लॉक है? आपकी अपनी आई थी ब्लॉक? मैम आपने प्रेजेंटर लिंक ओपन किया होगा, जरा एक दफा चेक कर लें। मैम मॉडरेटर लिंक ब्लॉक आ रहा है, कौन सा? ये कैसे हो सकता है? ब्राउजर अपडेट करके देख लें। जी मैम, ओके, सो कल हम IABP पढ़ रहे थे, इंट्रा एओर्टिक बलून पंप, ठीक है? अब इंट्रा एओर्टिक बलून पंप के बारे में उसे स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत बेसिक चीज़ें, जिसमें प्री लोड और आफ्टर लोड, इसके बारे में बहुत बड़ी कन्फ्यूजन चल रही है। स्टार्ट से कुछ जगहों पे हमने खुद भी कुछ जगहों पे ऐसे सुना था, कुछ लोगों से ऐसे सुना था स्टार्ट में कि प्री लोड जो है, या हम FSC में मोस्टली जो है ये चीज़ें सुनते आ रहे हैं, जिस तरह FSC में हम ये चीज़ें सुनते आ रहे हैं कि प्री लोड जो है वो असल में क्या है, वो जो वॉल्यूम कंट्रैक्शन से पहले है वो क्या, वो प्री लोड है, और जो कंट्रैक्शन के बाद का जो वॉल्यूम बचता है वो आफ्टर लोड है। लेकिन चीज़ जो है वो उससे बिल्कुल डिफरेंट है। अभी जो प्री लोड और आफ्टर लोड है ना, ये असल में क्या है, असल में फोर्स है। असल में क्या है? फोर्स है। अब हम ये कह सकते हैं कि प्री लोड जो है इट इज रिलेटेड टू वेंट्रिकुलर वॉल्यूम या वेंट्रिकुलर फिलिंग, बट एग्जैक्टली ये वेंट्रिकुलर फिलिंग या जो वेंट्रिकल्स के अंदर जो वॉल्यूम है वो नहीं है। उस वॉल्यूम की वजह से जो कार्डियक मसल्स के ऊपर स्ट्रेच पड़ता है, उस वॉल्यूम की वजह से जो कार्डियक मसल्स के ऊपर स्ट्रेच पड़ता है, असल में वो क्या है, वो स्ट्रेच जो है वो प्री लोड है। और आफ्टर लोड क्या है, काफी सारे स्टूडेंट्स को पता भी था, कुछ स्टूडेंट्स ने सही भी बताया, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन भी दिखा, लेकिन जो आफ्टर लोड है वो असल में क्या है, आफ्टर लोड। ये मैं असल में चीजें इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि कुछ बच्चे जो है वो कल एब्सेंट थे, ठीक है? लेकिन आफ्टर लोड अब क्या है, आफ्टर लोड जो है वो हार्ट को जो रेसिस्टेंस फेस करना पड़ता है काम करने के लिए, वो असल में क्या है, वो आफ्टर लोड है, ठीक है? चीजें अगर हमने डिस्कस किए थे, फॉर एग्जांपल अब ये क्या है, ये हार्ट है, ठीक है? अब ये हार्ट का वेंट्रिकल जो फिल हो रहा है, तो फिलिंग की वजह से यहाँ पे जो मसल्स के ऊपर स्ट्रेच पड़ता है, जो मसल के ऊपर एक फोर्स लगता है, वो असल में क्या है, वो प्री लोड है। वो क्या है, वो स्ट्रेचिंग फोर्स जो है वो प्री लोड है। और इस हार्ट को जो यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है, जो हार्ट की सप्लाई को रोकने की कोशिश करता है, जिसके खिलाफ हार्ट को काम करना है, वो असल में क्या है, वो आफ्टर लोड है, ठीक है? ये चीजें कल क्लियर हो गई थी। आज
मैं चाहता हूँ कि हम कुछ जनरल चीजें डिस्कस कर ले, लेक्चर हम ले ले रहे हैं, साथ साथ लेक्चर की चीजें भी डिस्कस करनी है, लेकिन आप लोग अभी स्टार्टिंग में जो है वो आप लोग ड्यूटीज करके आए हो, आईसीयूज में किसी के आईसीयू में ड्यूटी लिखी होगी, किसी की जो है वो इमरजेंसी में ड्यूटी लगी होगी, डिफरेंट यूनिट्स में आप लोगों ने ड्यूटीज की है। ठीक है, कुछ जनरल चीजें मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि अब आप लोगों ने देखा होगा जिस जिसने इमरजेंसी में ड्यूटी की होगी, ट्रियाज वहां पे एक रूम है, व्हाट इज ट्रियाज, किसी को पता है? क्योंकि ये क्रिटिकल केयर नर्सिंग हम पढ़ रहे हैं, हमारा सिलेबस बहुत थोड़ा है, लेकिन सिलेबस के अंदर अगर हम बुक देखे या सिलेबस देखे तो बहुत थोड़ा है, लेकिन इसके साथ साथ रिलेटेड टर्म्स और रिलेटेड चीजें बहुत ज्यादा है। ठीक है, जो कि हमें साथ साथ जो है उन चीजों को भी पढ़ना। ठीक है, इनिशियल असेसमेंट के लिए होता है। ठीक है, व्हाट इज ट्रियाज, ये जो वर्ड ट्रियाज है इसका क्या मतलब है, उस एरिया को हम ट्रियाज क्यों कहते हैं? चले ये मैं कहता हूँ कि आप कह रहे हो इनिशियल असेसमेंट के लिए होता है, जहां पेशेंट की कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। वेरी गुड, अब ये आपका जवाब ठीक है, लेकिन ये जो इनिशियल असेसमेंट वाली बात है ना, ये हम शालामार मिश्रे भी चीज अप्लाई करते हैं कि शालामार में हमने ट्रियाज डिपार्टमेंट बनाया, ट्रियाज रूम बनाया और वहाँ पे हम इनिशियल असेसमेंट करते हैं। चलो ठीक है, बात आपकी ठीक है, इनिशियल असेसमेंट के बेस पे जो है वो हम पेशेंट को कैटेगराइज कर लेते हैं। ओके, ट्रियाज क्राइटेरिया का पता है आप लोगों को, व्हाट इज ट्रियाज क्राइटेरिया, किस तरह डिवाइड करते हैं, कैटेगरीज कैसे बनाते हैं, उन कैटेगरीज को पहचानते कैसे हैं, एनी आइडिया? ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो, ठीक है, इन ब्लैक डेड, ओके। अच्छा मुझे ये चीज बताएं, रेड वेरी इमर्जेंट, वेरी इमर्जेंट, ठीक है चलो, अर्जेंट ही कह सकते हैं, अर्जेंट, इमर्जेंट, अर्जेंट, ठीक है, वेरी इमर्जेंट, अर्जेंट, ठीक है, इस तरह है कुछ। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि जो इमरजेंसी में हम ट्रियाज करते हैं और डिजास्टर साइट, कोई फ्लड आया, आपदा नपास्ता, कोई जो है वो कहीं पे जलजला हुआ, कहीं पे फायर आग लगी है, ठीक है, कहीं पे कोई और इशू है, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, उसे हम डिजास्टर ही कहते हैं ना। डिजास्टर क्या है, डिजास्टर कोई भी मैन मेड या नेचुरल कोई ऐसा वाक्य जिसकी वजह से मैसिव कैजुअलिटीज हो, उसे हम डिजास्टर्स कहते हैं। ठीक है, अब डिजास्टर के अंदर ट्रियाज में और इमरजेंसी ट्रियाज में क्या फर्क है, ये मैं इसमें नहीं बना रहा, ये मैं जनरल आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्योंकि मुझे ना ये पता चला था कि ये इमरजेंसी में किसी स्टूडेंट से ये पूछा गया था कि व्हाट इज ट्रियाज, और आप लोगों में से किसी को पता नहीं था कि ट्रियाज क्या है, इसलिए पूछ रहा हूँ आप लोगों से, इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, इस लेक्चर के अंदर नहीं है, लेकिन मुझे अभी पता चला था कि आप लोगों से ये किसी ने पूछा था और आप लोगों को पता नहीं था, आपकी किसी क्लास फेलो से किसी ने पूछा था, उसके इमरजेंसी में ड्यूटी था, डोंट नो कौन था या कौन थी, ये भी नहीं पता। सबसे ही पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो सबके आंसर करते हैं, मुझे ये भी बताएं। ठीक है, यास्मीन कह रहे हैं द लोकेशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट अकॉर्डिंग टू अर्जेंसी इन नीड ऑफ केयर, बिल्कुल ठीक है। असल में ट्रियाज क्या है, ट्रियाज का मतलब है पेशेंट को कैटेगराइज करना उनकी नीड्स के बेस पे, ठीक है, या उनके कंडीशन के बेस पे। ठीक है, फर्स्ट डे ये क्वेश्चन हुआ था जिस दिन गए थे, ठीक है, आंसर क्या दिया था आप लोगों ने, और यहाँ पे मेरे क्वेश्चन है कि
इमरजेंसी ट्रियाज में और डिजास्टर ट्रियाज में क्या फर्क है? प्रियर असेसमेंट, बिल्कुल प्रियर असेसमेंट है ये, वो तो बात हो गई है कि प्रियर असेसमेंट है जिसके बेस पे हम पेशेंट्स को कैटेगराइज कर लेते हैं, पेशेंट्स को जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज में हम पेशेंट्स को क्यों डालते हैं, ताकि हमें पता हो कि किन लोगों के ऊपर किन किस किसने काम करना और उनके ऊपर जो है वो हमारी कितनी रिसोर्सेज जो है वो सर्व होनी है। ठीक है, ओके। अब इमरजेंसी डिजास्टर इमरजेंसी ट्रियाज में और डिजास्टर ट्रियाज में क्या फर्क है, एनी आइडिया? लिखा नहीं जा रहा लेकिन फिर भी मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इमरजेंसी ट्रियाज या ट्रियाज एंड इमरजेंसी ट्रियाज एट डिजास्टर साइट? ओके, अब आ रही है आवाज। ठीक है ठीक है, एक बच्ची कह रही है डिजास्टर में तो हमें टाइप पता लग जाएगा कि उसकी अकॉर्डिंग कैटेगराइज करके मैनेज करेंगे कि नेचुरल है कि मैन मेड है। नहीं, देखिए मैन मेड है या नेचुरल है, दोनों में से एक ही होगा, ऑलमोस्ट एक ही होता है। फॉर एग्जाम्पल फ्लड है, ठीक है, कोई वो अर्थक्वेक है, तो वो क्या है, वो नेचुरल डिजास्टर से। ठीक है, इसके अलावा ये जो दहशतगर्दी वगैरह, ठीक है, ये क्या, ये मैन मेड डिजास्टर्स के अंदर आती है। ठीक है, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, ये सारी चीज़ें। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि एक जगह पे बॉम्ब ब्लास्ट भी होगी और उधर जो है वो फ्लड भी है, दो चीजें तो एक साथ नहीं है ना।
चीज एक ही है, तो उसमें आप कैटेगरी किस बात की बना रहे हो फिर? या तो वो नेचुरल है या मैन मेड है, एक ही है। हमने पेशेंट्स को कैटेगराइज कर, देखिए एक चीज याद रखिए कि ट्रियाज का मतलब क्या है, हमने पेशेंट्स को कैटेगराइज कर रहा है उनकी नीड्स के बेस पे, उनकी कंडीशन के बेस पे, ठीक है? तो इसमें नेचुरल और मैन मेड की तो कोई बात ही नहीं है। अब ये तो नहीं है कि आप अगर मैन मेड है तो उनको जो है वो आपने उन पे ज्यादा गौर नहीं करना, अगर नेचुरल है तो उस पे ज्यादा करना, ऐसा तो नहीं है ना। डिजास्टर कोई भी हो, आपने तो अपने पेशेंट्स को कैटेगराइज करना है। जब ये जो बात कर रही है बच्ची कि रिसोर्सेस, रिसोर्सेस की ही बात है, लेकिन क्या है वो बताए। देखें अब इमरजेंसी, अब सुन ले, इमरजेंसी में क्या होता है, इमरजेंसी में हमारे पास रिसोर्सेस होते हैं, काफी रिसोर्सेस होते हैं, ठीक है? अब आप लोगों ने ड्यूटी की होगी ईआर में, ईआर में सब ने ऑलमोस्ट ड्यूटी की होगी। ईआर में जब पेशेंट आता है, कोई सीरियस पेशेंट आता है, सारे वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, ठीक है? ईसीजी डॉक्टर भी आ जाता है, नर्सेज भी सारे आ जाते हैं, दो तीन स्टाफ भी आ जाते हैं, सारे लोग, ये जो सपोर्टिंग स्टाफ है वो लोग भी आ जाते हैं, सारे लोग उधर आ जाते हैं। रिसोर्सेज का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम जो मेडिसिन यूज कर रहे हैं ये रिसोर्सेज है, हमारे पास रिसोर्सेज काफी सारे होते हैं, मटेरियल रिसोर्सेज होते हैं, फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है? इसके अलावा जो है वो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं। अब उधर फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो मेल साइड पे तीन स्टाफ जो है वो तीन लोगों को रखा था कि आप लोगों ने मेल साइड को देखना, इधर से जो है वो आईसीयू में पेशेंट आ जाते हैं, दो पेशेंट्स आ जाते हैं एट अ टाइम। तो आईसीयू में जब पेशेंट आता है, इमरजेंसी आईसीयू की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो एक पेशेंट पे दो दो तीन तीन लोग काम कर रहे होते हैं, दो दो तीन स्टाफ लगे होते हैं, तीन तीन, दो दो तीन तीन डॉक्टर्स लगे होते हैं, सपोर्टिंग स्टाफ लगा होता है, साथ साथ जो है वो हमारे जो है वो ईसी जो टेक्नीशियन लगा होता है, ठीक है? तो काफी सारे लोग आ जाते हैं। अब ये भी हमारे रिसोर्सेस है, ये भी जी जी मैम, जी मैम वो आपने भी किया, मैंने भी किया, थैंक यू। तो ये जो रिसोर्सेज है, ये जो लोग उन इनके आके उनके ऊपर काम कर रहे हैं, ये भी हमारे रिसोर्सेज, ये हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज, लोग तो लग रहे हैं ना, काम तो कर रहे हैं ना, इसके अलावा कुछ फिजिकल रिसोर्सेज, हमारे पैसे भी लग रहे हैं उनके ऊपर, ठीक है? रिसोर्सेज ये, अब रिसोर्सेज में सिर्फ रिसोर्सेज की बात करूं कि आपकी रिसोर्सेज सारी है ये। अब इमरजेंसी में या हॉस्पिटल सेटिंग में हमारे पास, या हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, इनफ रिसोर्सेज होते हैं, तो हम मोस्टली उस पेशेंट को बचाने की कोशिश करते हैं। हम अगर पेशेंट चाहे कितना भी सीरियस हो, पेशेंट चाहे जो है वो उसके ऊपर हमारे ऑलमोस्ट सारी रिसोर्सेज लग जाए, जो हमारे पास कोड ब्लू कहते हैं उसे, चलो ठीक है, कोड ब्लू में हमारे बहुत ज्यादा रिसोर्सेज लगते हैं, लेकिन हम फिर भी पेशेंट को बचाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो इमरजेंसी के अंदर जिस पेशेंट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज लगते हो, हम उस पेशेंट के ऊपर फोकस करते हैं कि उसे पहले से, कि उसे सबसे पहले बचाया जाए, ठीक है? उसे सबसे पहले बचाया जाए। डिजास्टर के अंदर क्या करते हैं, मैं यहाँ पे आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। ये फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे पेशेंट आ गया, ठीक है? मैंने चार पांच लोगों को भी बुलाया, ठीक है? मैंने काफी लोगों को भी बुलाया, वो लोग भी काम कर रहे हैं, मेरे मेडिसिन भी लग रहे हैं, सारी चीजें। तो जिन लोगों के पास, जिन लोगों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज लगते हैं ना, हम उस पर ज्यादा फोकस करते हैं हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर, क्योंकि वो ज्यादा सीरियस होता है। अब यहाँ पे डिजास्टर है, डिजास्टर में मेरे पास जो है वो मेरे पास कुछ लिमिटेड लोग हैं, लिमिटेड एम्बुलेंस और ये लिमिटेड चीजें होती है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि कम रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा पेशेंट बचाए जाए, कम रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स बचाए जाए। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह इमरजेंसी में मेरे पास एक पेशेंट आता है और मैं सारे लोगों को और सारे मेडिसिन को उसके ऊपर जो है वो सर्व करना जो है या उसके ऊपर जो है वो लगाना शुरू कर देता हूँ, यहाँ पे मैं वो नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इमरजेंसी की तरह काम करूं, इमरजेंसी की तरह एक ही पेशेंट के ऊपर लग जाऊं, तो जो बाकी पेशेंट्स हैं मेरे पास जिनको मैं कम रिसोर्सेज में बचा सकता हूँ, मैं उन्हें लूज कर सकता हूँ, मैं उन्हें लूज कर सकता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे हम क्या कोशिश करते हैं, डिजास्टर साइड पे हम ये कोशिश करते हैं कि हम कम रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाएं। लेकिन हॉस्पिटल सेटिंग में चीजें जो है वो इसके बरक्स है।
हॉस्पिटल सेटिंग में हम क्या करते हैं, हॉस्पिटल सेटिंग में जिस पेशेंट के ऊपर हमारी मैक्सिमम रिसोर्सेज लगते हैं हम उस पेशेंट को जो है वो बचाने की कोशिश करते हैं, हम उन पेशेंट्स को जो है वो बचाने की कोशिश करते हैं। या तो क्लियर है या कन्फ्यूजन है, या तो किसी को कोई कन्फ्यूजन। डिजास्टर में हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक डिजास्टर टीम है, ठीक है, मैं आप लोगों की क्लास का एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों की क्लास का जो आप लोग का जो क्लास है वो क्या है, वो डिजास्टर टीम है। मेरे पास मुझे कॉल आई है खुदा ना वास्ता यहाँ पे कोई आसपास जो है वो कोई डिजास्टर हुआ है, ठीक है, कोई बिल्डिंग वगैरह जो है वो गिर गई, कहीं आग लगी है, वहां पे हम लोगों ने जाना है, ठीक है। अब मेरे पास लिमिटेड लोग हैं, 44 लोग हैं, ठीक है, मैं उधर गया हूँ, ठीक है, और वहां पे हम क्या कोशिश करेंगे, हमारे पास इन 44 लोगों के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, हमारे पास लिमिटेड जो है वो मशीनरी होगी, लिमिटेड जो है हमारे पास चीज होगी, लिमिटेड जो है हमारे पास मेडिसिन होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम कोशिश, वहां पे डिजास्टर साइट पे हम कोशिश क्या करेंगे, डिजास्टर साइट पे हम कोशिश करेंगे कि हम मिनिमम रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाएं, ठीक है, जो बहुत ज्यादा सीरियस है, जिसके लिए जो है वो हम हॉस्पिटल में जो है वो कोड ब्लू अनाउंस करते हैं, सारा कुछ करते हैं, ठीक है, हम उनको बचाने की कोशिश नहीं करते, हम कोशिश करते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द जो है वो, हम ये भी नहीं है कि हमें उनको जो है वो ऐसे छोड़ना है, ऐसे नहीं छोड़ना, हम कोशिश यही करते हैं कि उसे उन्हें जो है वो जल्द से जल्द हम शिफ्ट करें हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम उन पेशेंट्स को बिल्कुल जो है वो विदाउट सुपरविजन छोड़ते हैं या ऐसे ही छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल इनह्यूमन है, ठीक है, इस तरह हम नहीं करते, हम उन्हें जो है वो जल्द से जल्द जो है वो शिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। नियर बाय हॉस्पिटल्स को जो है वो हम एक नोटिफिकेशन भेजते हैं, नहीं नहीं आपने बिल्कुल ठीक बताया, कुछ हद तक आपने बिल्कुल ठीक बताया, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने कुछ हद तक भी ठीक नहीं बताया, आपने जो रिसोर्सेज की बात की है वो बिल्कुल ठीक है, आपने जो रिसोर्सेज की बात की थी वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज के बेस पे जो दोनों में, दोनों के अंदर जो डिफरेंस आ रहे हैं, दोनों की कैटेगरीज बिल्कुल सेम है, कलर कोडिंग बिल्कुल सेम है, ठीक है, इमरजेंट, अर्जेंट और नॉन अर्जेंट, ये सारी चीजें, ठीक है, और डेड या एक्सपेक्टेंट जिसे हम कहते हैं, कैटेगरीज बिल्कुल सेम है, कलर कोडिंग बिल्कुल सेम है, लेकिन जो डिफरेंस आ रहा है मेन, वो सिर्फ और सिर्फ रिसोर्सेज का डिफरेंस आ रहा है, कि यहाँ पे हम क्या करते हैं हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर, यहाँ पे अगर कोई पेशेंट ज्यादा सीरियस हो जाए तो हम अपनी सारी रिसोर्सेज भी अगर हमारी लग जाए फिर भी हम उस पेशेंट को बचाने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने कभी कभार देखा भी होगा, हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने जो अपना जो हमारा क्रैश कार्ड है उससे सारी चीजें जो है वो यूज करते रहते हैं, सारी चीजें यूज करते रहे, क्रैश कार्ड खत्म हो जाए तो हम किसी को बाहर भेजते हैं, किसी को जो है वो नियर बाय जो है किसी उससे जो है वो ले आते हैं, क्या नाम है, साथ वाले वार्ड से जो है वो हम चीजें ले आते हैं, ठीक है, या जल्दी से किसी जो है वो अटेंडेंट को, किसी बंदे को भेज देते हैं कि जल्दी से आप मेडिसिन ले आओ, लेकिन हम उस पेशेंट को बचाने की कोशिश करते रहते हैं। तब तक हम उसे बचाने की कोशिश करते हैं जब तक जो है वो डिक्लेयर ना हो जाए कि ये डेड है, ठीक है, हम अपनी सारी रिसोर्सेज जो है वो लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है, एक बच्ची ने ये जो रिसोर्सेज की बात की थी ये बिल्कुल ठीक कह रही थी, इसलिए हमारे बात की थी कि रिसोर्सेज की बात है आप, या रिसोर्सेज की जो डिफरेंस आ रही है वही बात है, तो रिसोर्सेज का जो डिफरेंस आ रहा है वो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे बात है भी रिसोर्सेज के बेस पे, ये जो डिफरेंस है वो है ही रिसोर्सेज के बेस पे, ठीक है। वहां पे हम क्या कोशिश करते हैं, यहाँ पे हम कोशिश ये करते हैं कि हम मिनिमम रिसोर्सेज में जो है वो मैक्सिमम लोगों को जो है वो बचा सके, ठीक है, क्लियर है आप। अब कोई क्वेश्चन, अब अगर किसी ने पूछा तो एटलीस्ट आप लोग आंसर कर लोगे, क्योंकि मुझे ये पता चला था कि आप लोगों में से जो है वो आप लोगों की क्लास में से जो है किसी ने ये क्वेश्चंस पूछे थे और किसी को पता नहीं था कि ट्रियाज क्या है, ट्रियाज को हम कैटेगराइज कैसे करते हैं, ट्रियाज में डिफरेंस क्या है और ये सारी चीजें। आप लोगों के माइंड में कोई और क्वेश्चन आ रहा हूं क्लिनिकल साइड से, क्योंकि क्रिटिकल केयर नर्सिंग है ही क्लिनिकल साइड का, जो आप लोगों से पूछा गया और आप लोगों ने आंसर ना किया, ठीक है, डिजास्टर में प्रायोरिटी करेंगे मीन जो डेथ के करीब होगा उस पर टाइम वेस्ट, बिल्कुल ऐसा ही है, जो बिल्कुल डेथ के करीब है, फॉर एग्जांपल अब एक पेशेंट है, ठीक है, हमें पता भी है कि उसके जो है वो 50-50 चांसेस है या उसकी जो है वो 10% चांसेस है, जिस तरह हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आते हैं उसके 1% भी चांसेस, हम उसके ऊपर सारी रिसोर्सेज लगा लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको उधर जो है वो 1% चांस वाला कोई पेशेंट मिल रहा हो तो आप उसके ऊपर अगर सारी रिसोर्सेज लगाएं और बाकी आपके पास उसकी वजह से बाकी आपके पास जो
और उसकी वजह से आपके पास बाकी जो पेशेंट्स हैं उनकी डेथ हो जाए, तो ये चीज़ तो गलत है ना। ठीक है, वो चीज़ गलत है। ठीक है, जिस तरह वो ना, उन दोनों चीज़ों में डिफरेंस आ रहे हैं। यहाँ पे जो है वो हम पेशेंट को देखते हैं, अब यहाँ पे मेरी सारी रिसोर्सेज जो है वो लग रही है। ठीक है, तो वो से मैं बचाने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर यहाँ पे मेरी मैक्सिमम जो है वो मेरे, फॉर एग्जांपल मेरे 90% रिसोर्सेज जो है वो यहाँ पे लग रहे हैं, तो अगर 90% रिसोर्सेज मैंने एक ही पेशेंट के ऊपर जो है वो सर्व कर लिए, तो जो बाकी पेशेंट्स है, जो बाकी मेरे पास यहाँ पे पेशेंट्स है, 40 पेशेंट्स है, 50 पेशेंट्स है, 10 पेशेंट्स है, चलो, तो इनके ऊपर जो है वो मेरे लिए, फिर इनके ऊपर जो है वो रिसोर्सेज, मेरे पास इतनी रिसोर्सेज नहीं होंगी कि मैं बाकी लोगों को बचा सकूं। तो यहाँ पे डिजास्टर साइड पे हम कोशिश यही करते हैं कि हम मैक्सिमम लोगों को बचाएं। ठीक है, ओके, चले, यहाँ तक तो क्लियर है। ओके, अब कोई और क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा गया, ये तो क्लियर है जी? नहीं मैम, आप कहिए जी। अच्छा, एक चीज याद रखो, ठीक है, आप लोग की सबके पास जो है वो डायरीज होती है, आप लोग क्लिनिकल साइड पे जाते हो, कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है ना, तो एटलीस्ट उसे नोट डाउन किया करो, खुदा की देख लिया, ठीक है, बुक में जो है वो जिस जिसको एक एक जिस आप सबने जो है वो सारे लोग जो है वो एक एक क्वेश्चन जो है वो आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नोट डाउन करने के बाद आप लोगों का क्या काम है, आप लोग आके उसे ग्रुप में जो है वो ग्रुप में पहन लो, ठीक है, ताकि सबके पास वो क्वेश्चन जाए, सबको पता चले कि ये क्वेश्चन जो है वो आज किसी से पूछा गया है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, उस पर जो है वो सारे लोग काम करो, सारे जो है उसे खुद ढूंढने की कोशिश करो, मैं भी ढूंढूंगा, ठीक है, और फिर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसी तरह आपकी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो सॉल्व होगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो पेपर बना रहे हैं वो प्योरली जो है वो किसी उस चीज़, मतलब कभी कभार होता है इस तरह के लोग जो है वो अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस के बेस पे जो है वो भी क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, तो बुक के साथ साथ क्लिनिकल साइड की चीज़ें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। तो अगर किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन आता हो या किसी से कोई क्वेश्चन पूछा गया हो किसी क्लिनिकल साइड पे, तो आप लोग एटलीस्ट आप लोगों की मेहरबानी होगी कि आप लोग जो है उसे ग्रुप में भेजें, ताकि सबके पास वो क्वेश्चन भी पहुंचे और सबको उसके आंसर का भी जो है वो पता चले। ये मुझे समझ नहीं आई, हाउ मेनी टाइप ऑफ अटैच क्या होता है? अच्छा, ओके, अटैक्स, ओके ओके ओके, अटैक्स है, ठीक है। हार्ट अटैक्स जो है, आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा, ACS, ACS के बेस पे हम सब चीजों को जो है वो कैटेगराइज करते हैं। ACS का मतलब, ACS का मतलब एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, ठीक है। हार्ट अटैक के टाइप्स जो है, हार्ट अटैक असल में क्या है, हार्ट अटैक असल में MIA, जो मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, वो क्या है, वो हार्ट अटैक। वैसे जो हार्ट अटैक से कुछ चीजें जो है वो हम यहाँ पे मिक्सअप भी करते हैं, एक होता है हार्ट फेलियर, एक होता है हार्ट अटैक। हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक दो चीजें अलग अलग है। एक चीज को हम स्पेसिफाई करते हैं कंडक्शन सिस्टम के साथ, और दूसरी चीज जो MIA, उनको हम स्पेसिफाई करते हैं ब्लड फ्लो के साथ। ठीक है, हार्ट फेलियर और MIA में क्या फर्क है, मोस्टली लोग यही पूछते हैं। तो दो चीजें मैं आप लोगों को बता दूं कि हार्ट के अंदर दो तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है, एक कंडक्शन सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम आ सकती है और एक वास्कुलर सिस्टम के अंदर जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि कार्डियक साइकिल की जब हम बात करते हैं, तो कार्डियक साइकिल भी दो है, या जो हार्ट का अब दो है, एक कंडक्शन सिस्टम है,
उसका भी एक साइकिल चलता रहता है, और दूसरा है वस्कुलर सिस्टम, उसका भी एक साइकिल जो है वो चलता रहता है। अब अगर प्रॉब्लम है वस्कुलर सिस्टम के अंदर, ब्लड के अंदर अगर प्रॉब्लम है, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, उसे हम MI कहते हैं, जो हम कहते हैं कि हार्ट अटैक हो गया, इंजाइना। उसके अंदर फिर तीन कैटेगरीज है, समझ आ रही है आप लोगों को? यहाँ पे मैं बताता हूँ आप लोगों को, कंडक्शन सिस्टम, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कंडक्शन सिस्टम। एक तो कंडक्शन सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम है, दूसरा क्या है, वस्कुलर सिस्टम, वस्कुलर सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम। अब अगर कंडक्शन सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम है, तो कंडक्शन सिस्टम क्या है असल में, ये जो नोड्स हैं, जो हम कहते हैं कि SA नोड है, AV नोड है, परकिंजे फाइबर्स हैं, ये सारी क्या है, ये कंडक्शन सिस्टम है, जिसकी वजह से हार्ट जो है वो बीट करता है। ये जो हार्ट का बीटिंग है ना, ये कौन कंट्रोल करता है, हार्ट बीट जो कंट्रोल हो रहा है वो कंडक्शन सिस्टम के बेस पे कंट्रोल होता है। ये जो सिग्नलिंग सिस्टम है ना, ये जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है हार्ट के अंदर, ये क्या, ये कंडक्शन सिस्टम है। अगर इसमें प्रॉब्लम आ गई तो तब भी जो है वो हार्ट फेलियर की तरफ ही जाएगा। दूसरा जो है वो वस्कुलर सिस्टम के अंदर प्रॉब्लम आती है, ठीक है, वस्कुलर सिस्टम जो है उसके अंदर जो प्रॉब्लम आ जाए उसको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं प्लानिंग को जो है वो MI हो गया, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अब ये जो MI है ना, इसके नाम पे कभी गौर करो, MI, M जो है वो क्या है, मायोकार्डियल है। मायोकार्डियम का क्या मतलब है, हार्ट के मसल, मायो जहां पे आता है वो मसल्स को, मसल्स की तरफ जो है वो इशारा होता है हमारा, तो मायोकार्डियम का क्या मतलब है, कार्डियक मसल्स, ठीक है। इन्फार्क्शन का क्या मतलब है, इन्फार्क्शन, इन्फार्क्शन का मतलब है ब्लॉकेज, किसी ब्लॉकेज की वजह से कहीं पे जो है वो सफिशिएंट ब्लड नहीं पहुंच रहा, वो क्या है, वो ब्लॉकेज है, इन्फार्क्शन, ठीक है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हार्ट के मसल्स के अंदर जो है वो कहीं पे ब्लॉकेज है, हार्ट के वस्कुलर सिस्टम के अंदर कहीं पे ब्लॉकेज है, जो मेजर वेसल्स है उसके अंदर कहीं पे ब्लॉकेज है, ठीक है। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, अब वस्कुलर सिस्टम के अंदर ये जो आपने टाइप्स का पूछा ना कि हार्ट अटैक्स के कितने टाइप्स होते हैं, मेन हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, या तो कंडक्शन सिस्टम में प्रॉब्लम है या वस्कुलर में। ये जो हार्ट अटैक है ये मोस्टली हम इसके साथ जो है वो इसके लिए यूज करते हैं, ये जो वस्कुलर सिस्टम है ना इसके लिए यूज करते हैं मोस्टली MI। अब इसमें तीन चीजें होती है, या तो जो है वो क्या है, या अनस्टेबल एंजाइना, तीन चीजें, स्टेमी, कौन कौन सी है, स्टेमी, ठीक है, दूसरा है एनस्टेमी, ठीक है, अनस्टेमी, और तीसरा जो है वो क्या है, वो अनस्टेबल, अनस्टेबल एंजाइना है, अनस्टेबल एंजाइना, ठीक है। ये मैं आप लोगों से एक, इस पर मैंने एक केस स्टडी भी की थी अपनी स्टूडेंट लाइफ में, तो वो भी मैं आप लोगों से इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा अगर मुझे मिला तो, क्योंकि वो ऊपर लाइब्रेरी में पढ़ा था, मुझे नहीं मिला, तो मुझे मिल गया तो मैं आप लोगों से शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। तीन चीजें इसमें, स्टेमी, एनस्टेमी और अनस्टेबल एंजाइना, ठीक है। अब एक स्टेबल एंजाइना है तो उसे हम जो है वो इसके अंदर काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, जो स्टेबल एंजाइना वो हम इसमें काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो स्टेबल है, रेस्ट करेगा वो, ठीक है, तो वो ठीक हो जाएगा। अनस्टेबल एंजाइना जो है वो प्रोग्रेस करता है MI के अंदर। फिर MI जो है वो दो तरह का, ST एलिवेशन MI, ST एलिवेशन MI, स्टेबल अनस्टेबल और अनस्टेबल। जो अनस्टेबल एंजाइना उसे हम काउंट करते हैं, जो स्टेबल एंजाइना उसे तो हम काउंट नहीं करेंगे ना, वो तो स्टेबल एंजाइना है, वो हम MI के अंदर जो है, या जो है कार्डियक फेलियर के अंदर जो है वो काउंट नहीं करेंगे। तो जो हार्ट फेलियर की जो मेन टाइप्स है वो असल में, या जो हार्ट अटैक की जो मेन टाइप्स है वो यही है, स्टेमी है, एनस्टेमी है और अनस्टेबल एंजाइना है, ठीक है। स्टेमी के अंदर क्या होता है, स्टेमी के अंदर ये जो है, ये जो ST है, ये ST है, ठीक है, ST एलिवेशन MI, इसमें जो ST सेगमेंट होता है ना वो एलिवेट हो जाता है, ठीक है। दूसरा जो है वो एनस्टेमी है, ठीक है, एनस्टेमी के अंदर ST एलिवेशन नहीं होता, ठीक है, जो ST सेगमेंट है वो एलिवेट नहीं होता। फिर उसको हम, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि अब ST एलिवेशन नहीं है तो हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम आ रही है, तो हम इसके अलावा जो है वो, जो अब असल में ना ECG जो है ये एक अलग दुनिया है,
लेकिन फिर भी अगर हमें जो है वो पता नहीं चल रहा है कि एसटी के अंदर जो है वो एलिवेशन नहीं आ रहे, तो हम साथ साथ जो है वो कुछ और टेस्ट वगैरह करते, कोई कार्डिक मार्कर्स वगैरह कर लेते, ये सारी चीज़ें कर लेते, और उससे हमें जो है वो पता चल जाता है कि इस बंदे को जो है या कहीं पर ब्लॉकेज है या कहीं भी जो है वो एम आई है, साइन सिम्टम्स को जो है वो हम उसके साथ कोरिलेट कर लेते हैं। ठीक है, साइलेंट हार्ट अटैक का मतलब ये होता है कि एमआई के अंदर कुछ साइलेंट हार्ट अटैक्स भी है, जिस तरह पता नहीं चलता अक्सर उनकी ये जो एनस्टेमी के अंदर है ना, एनस्टेमी के अंदर जो है वो अक्सर जो है वो ईसीजी के अंदर पता नहीं चलता ना, एसटी जो एसटी सेगमेंट है वो एलिवेट नहीं होता। ठीक है, तो उसके लिए जो है वो फिर हमें कुछ और चीज़ें कर लेते हैं। नहीं नहीं, डिक्रीज नहीं होता उसमें, डिक्रीज नहीं होता उसमें, नॉर्मल होता है मोस्टली। कभी कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जिसमें एसटी सेगमेंट नॉर्मल भी होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम फिर कार्डियक मार्कर्स वगैरह या जो बाकी रिलेटेड टेस्ट है वो कर लेते हैं। ये साइलेंट हार्ट अटैक है ना, साइलेंट हार्ट अटैक असल में ना साइलेंट इस्कीमिया होता है। उसमें असल में ये होता है कि आपके अंदर कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपके अंदर कोई रिकॉग्नाइज सिम्टम्स नहीं आती, या बहुत मिनिमल सिम्टम्स आते हैं जिनको आप इग्नोर करते हो। कभी कभार बहुत मिनिमल सिम्टम्स आ जाते हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं। ठीक है, चेस्ट में कभी कभार पेन हुआ, कभी जो है वो टंडे पसीने आए, कभी जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हुआ, और हमने जो है वो कहा कि चलो ये शायद थकावट की वजह से है, या शायद जो है वो किसी और चीज़ की वजह से। कभी कभार हम चीज़ों को जो है वो ऑब्वियस सिम्टम्स नहीं आते तो हम उन चीज़ों को जो है वो इग्नोर कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो हार्ट अटैक है ये हमेशा ऐसे ही आता है जो आपको पता नहीं होता, मतलब कोई किसी बंदे को पता तो नहीं होता ना कि मुझे हार्ट अटैक आ रहा है या मुझे हार्ट अटैक आ गया। ठीक है, लेकिन ये जो साइलेंट हार्ट अटैक है, साइलेंट हार्ट अटैक का मकसद, ये जो लोग वर्ड यूज करते हैं मोस्टली क्लिनिकल साइड पे, उसका मकसद ये होता है कि उस बंदे में सिम्टम्स नहीं आए थे, कोई ऑब्वियस कोई विजिबल सिम्टम्स नहीं थे। ठीक है, और अंदर जो है वो सारी चीजें चल रही होती, उसे साइलेंट हार्ट अटैक कहते हैं। न्यूरोपैथी की जहाँ भी बात हो रही है, जिस तरह उसमें साइलेंट हार्ट अटैक इसलिए आता है कि आपकी न्यूरोपैथी होती है तो आपको आपकी बॉडी जो है या आपकी न्यूरॉन जो उस एरिया को डिटेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ये मोस्टली डायबिटीज के अंदर भी होता है। डायबिटीज के अंदर ये होता है कि उन लोगों को पता नहीं चलता, पेन उन्हें फील नहीं होती। ठीक है, न्यूरोपैथी जो है या ये जो डायबिटीज के अंदर लोगों की जो है वो नर्वस सिस्टम जो उसकी पैथी हो जाती है, जिसको हम न्यूरोपैथी भी कहते हैं या न्यूरोपैथी भी कहते हैं। ठीक है, न्यूरोपैथी के अंदर ये होता है कि उसके अंदर आपको फील नहीं होता, आपके नर्वस सिस्टम को जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाता कि यहाँ पे जो है वो पेन हो रही है। इस वजह से उनके अंदर जो है वो साइलेंट हार्ट अटैक आता है, क्योंकि उन लोगों को पता नहीं होता, वो डिटेक्ट नहीं कर पाते। क्या मतलब नॉर्मल में आना चाहिए? नॉर्मल में इसलिए नहीं है, उन्होंने एक नाम दिया कि ये साइलेंट है क्योंकि लोगों को पता नहीं चल रहा, लोगों के अंदर सिम्टम्स नहीं आते, अचानक ही होता है। ठीक है, कुछ कंडीशंस की वजह से भी हो सकता है, जिस तरह ये डायबिटीज के अंदर होता है, या वैसे भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि किसी को जो है वो किसी के अंदर प्रॉब्लम हो रही हो और उनके जो है वो कभी कभार लोग जो है वो आगे से सामने से जो बिल्कुल हेल्दी नजर आ रहे होते हैं, बिल्कुल स्ट्रांग नजर आ रहे होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो है वो डिजीज प्रोसेस चल रहा होता है। ठीक है, तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है, नॉर्मल में नहीं आएगा। इमोशनल हार्ट अटैक में भी, क्योंकि कुछ रिसर्च कहती है कि ये पॉसिबल है, इमोशनल हार्ट अटैक होता है। वैसे तो पाकिस्तान में अगर देखा जाए या आजकल की जनरेशन में देखा जाए तो इमोशनल हार्ट अटैक तो हर घंटे बाद होता है लेकिन हाँ बिल्कुल, पेरेंट्स को भी इमोशनल हार्ट अटैक होते रहते हैं। ये आजकल ना, आजकल तो ये इमोशनल हार्ट अटैक तो हर बंदे को है। इमोशनल हार्ट अटैक हम नहीं कह सकते, इमोशनल हार्ट ब्रेक्स हम कह सकते हैं। ठीक है, जो एक दूसरे को लोग इमोशनली जो है वो कहते हैं कि नहीं उसने मेरा दिल तोड़ दिया, तो ये क्या है? यही इमोशनल हार्ट ब्रेक ही है, इमोशनल हार्ट अटैक ही है। या ये अभी मैडम ने ही बात की कि पेरेंट्स भी कभी कभार कहते हैं, तो वही भी बात बिल्कुल ठीक है। पेरेंट्स भी हमें कभी कभार जो है वो इमोशनली ब्लैकमेल कर लेते हैं, आपने ये नहीं किया तो मैं मर गई,
तो ये क्या है, यही इमोशनल हार्ट अटैक ही है ये। या आजकल तो इमोशनल हार्ट अटैक एक बहुत बड़ा, जब रात को ना, रात को बंदे की आंख खुलती है और मोबाइल ना मिले और आप इधर उधर हाथ मारते हो और मोबाइल है, वो मिनी हार्ट अटैक है। ठीक है, वो भी हार्ट अटैक का एक फॉर्म है और वो भी मेरे ख्याल में इमोशनली है, बंदे का मोबाइल ना मिले तो। नहीं नहीं रिजल्ट की वजह से नहीं होता, रिजल्ट की वजह से किसी को इमोशनल हार्ट अटैक नहीं आते, ये वो जनरेशन नहीं है। नहीं ये वो जनरेशन नहीं है। नहीं नहीं बिल्कुल होता है इमोशनल हार्ट अटैक, ये तो खैर जोक्स अपार्ट, लेकिन कुछ रिसर्चेस आजकल कह रही है कि हार्ट ब्रेक्स की वजह से या जो इमोशनली ये जो इमोशनल पेन होती है ना, या जो साइकोलॉजिकल पेन होती है, उसकी वजह से भी हार्ट के ऊपर जो है वो अफेक्ट होता है। कुछ रिसर्चेस कहती है कि उसकी वजह से भी हार्ट अटैक हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, मिनी हार्ट अटैक तो लोग रोज होते रहते हैं ना। होता है, रिसर्चेस आजकल की रिसर्चेस ये मानती है कि होता है। लोग कभी कभार ये कहते हैं ना कि एक क्वेश्चन मोस्टली जो है वो पूछा जाता है अक्सर, मतलब वैसे नहीं बुक्स के अंदर नहीं, वैसे लोग अक्सर पूछते हैं कि हार्ट का काम सिर्फ क्या है। हार्ट का काम है सिर्फ जो है वो ब्लड पंप करना। ठीक है, तो फिर जो है वो इमोशनल उसके ऊपर असर कैसे होता है। ठीक है, अभी तक जो है ये अभी तक इसका जवाब नहीं मिला साइंस को। मोस्टली हम कहते हैं ना, देखो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखें तो जहाँ पे बात होती है ना, दिल की बात होती है, वो कुरान शरीफ में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों पे मोहर लगाए थे। ठीक है, तो अगर रिलीजियसली हम देखें ना, तो रिलीजियसली भी ये कॉन्सेप्ट है कि सारी चीजें जो है वो दिल से कंट्रोल होती है, या हम कहते हैं ना अल्लाह ताला ने उनके दिलों में ये बात डाली तो वो उन्होंने ये काम किया। ठीक है, लेकिन साइंस क्या कहती है, साइंस कहती है शायद हम आज तक जो है वो उस लेवल तक नहीं पहुंचे कि हमें हमें जो है वो आज तक पता नहीं, या इंसान उस लेवल तक नहीं पहुंचा होगा, उन्हें जो है वो अभी तक पता नहीं है कि दिल के अंदर या जो हार्ट है वो किस तरह जो है वो इमोशंस को कंट्रोल करते हैं या किस तरह जो है वो लिंक्ड है। ठीक है, क्योंकि हम रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो हम उन्हें गलत नहीं कह सकते, हम ये नहीं कह सकते कि जो है वो नौज़ुबिल्लाह, हमें ये वर्ड भी जो है वो यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन इस बात का ये सबूत है या हम ये कह सकते हैं कि अभी तक जो है वो इंसान ने इतनी तरक्की नहीं की कि उस लेवल तक पहुंचा, तो इस वजह से हम कहते हैं कि सारा कुछ जो है वो माइंड से कंट्रोल होता है। ठीक है जी जी, इस बात का अभी तक जो है वो शायद हमने इतनी तरक्की नहीं की अभी तक, या साइंस उस लेवल तक अभी तक नहीं पहुंचे। और बाकी जो पूरी बॉडी है वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। ठीक है, कोई भी अर्गन या कोई भी पार्ट या कोई भी सिस्टम जो है वो अकेले काम नहीं कर सकता। बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें हो रही होती है सब कोऑर्डिनेशन के अंदर होती है, सब कोऑर्डिनेशन में होती है। ठीक है, हमारा नर्व सिस्टम, हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है, हमारा मस्कुलर सिस्टम, ये सारी, या हमारा वेस्कुलर सिस्टम जो है, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, देखो आप लोग ये अंदाज़ा लगा लो कि ये जो कभी कभार जो हम कहते हैं ना फ्राइट इन फ्लाइट रिस्पॉन्स है, फ्राइट इन फ्लाइट रिस्पॉन्स है। ठीक है, जिसके अंदर हमारे सारे हॉर्मोन्स जो है वो रिलीज हो जाते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, हमारा हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। उसके अंदर भी क्या होता है, उसके अंदर भी कोऑर्डिनेशन ही होती है। जो आपकी बाकी ऑर्गन्स है, जो आपका जी आई सिस्टम है, उससे जो है वो ब्लड की शंटिंग हो जाती है। ठीक है, उससे ब्लड की शंटिंग हो जाती है तो बाकी जगहों पर जो है वो ब्लड जो है वो पहुँच जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो कोऑर्डिनेशन के अंदर चलती रहती है। ठीक है, तो कोई भी सिस्टम, कोई भी अर्गन जो है वो सेपरेटली या एक अलहदा जो है वो काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो सारी चीजें कोऑर्डिनेशन में चलती रहती है, सारी चीजों का जो है आपस में एक कनेक्शन है। ठीक है, ओके, बात बहुत आगे तक पहुंच गई, लेकिन एक बच्चे ने सिर्फ ये पूछा था कि हार्ट अटैक के कितने टाइप्स होते हैं, तो ये स्टेमी है, एनस्टेमी है और अनस्टेबल एंजाइना है। ठीक है, जो कि अगर वास्कुलर की हम बात कर ले, वैसे अगर ब्रॉड कैटेगरी की हम बात कर ले, दोनों के अंदर बहुत डिफरेंस है। ठीक है, एक कंडक्शन सिस्टम है, दूसरा जो है वास्कुलर सिस्टम है। वास्कुलर सिस्टम के अंदर ये तीन तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ओके, यहाँ तक कोई क्वेश्चन?
चले किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो आप लोग ड्रॉप कर लो, मैं तब तक आप लोग की अटेंडेंस मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। यास्मीन, ये हम चैप्टर तो हम आईएबीपी पढ़ रहे हैं, हीमोडायनामिक्स के अंदर इंट्रायूटिक बैलून पंप, ठीक है, हीमोडायनामिक्स मॉनिटरिंग के अंदर इंट्रायूटिक बैलून पंप हम पढ़ रहे हैं। लेकिन आज हमने कुछ बच्चों के कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ चीज़ें मैंने बतानी थी, कुछ जनरल चीज़ें, ठीक है, तो वो चीज़ें जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे। वैसे हम इंट्रायूटिक बैलून पंप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आईएबीपी काउंटर पल्सेशन। Thank you.
ओके स्टूडेंट्स, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? चले फिर हम अपना लेक्चर यहाँ पे एंड कर लेते हैं, ठीक है, ताकि नेक्स्ट टीचर का जो है वो टाइम से जो है वो इन हो जाए और नेक्स्ट लेक्चर जो है आप लोग स्टार्ट हो जाए, ठीक है। चलिए, ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।